giving to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy. 1,50,000 रुपए में सिर्फ मिला है एक चीज़, ये कि इसमें एलॉयज लगे हैं अलग से, देख सकते हो यहाँ पे चारों टायर में एलॉयज मिलेंगे आप। हेलो दोस्तों, मैं हूँ समर और आप देख रहे हैं अपना मोटो बीच। ठीक है, तो भाई आप सबकी बहुत सारी डिमांड आती है करोल बाग से हट के कार की वीडियो बनाऊँ, सेकंड हैंड कार की, यूज कार की। ठीक है, तो करोल बाग से हट के एक मार्केट है भी यहाँ पे प्रीत विहार में, मैं खड़ा हूँ, ये पास में मेट्रो स्टेशन है प्रीत विहार का, और यहाँ पे हम सेकंड हैंड कार की वीडियो बनाएंगे। देख सकते हो शॉप का नाम है कार सिटी और शॉप वो है सामने मेरे पीछे, दिख रहा है ना एकदम क्लीन। ठीक है, कार सिटी इतना बड़ा बोर्ड लगा है, आपको एंटर होते यहाँ पे मार्केट में सबसे ये दिखेगी आपका कार सिटी बोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ की वीडियो बनाएंगे, देख सकते हैं एक बार पीछे कार दिखा दो यहाँ पे, ये जितनी भी कार है मैक्सिमम कार सर की है यहाँ पे। ठीक है, और ये एक बोर्ड ये रहा सर का, देख सकते हो यहाँ पे एक बार ये बोर्ड है यहाँ पे सर का एक और। ठीक है, तो यहाँ पे चल के हम शॉप के ऑनर से बात करते हैं और आपको सारी डिटेल देंगे कार की और वीडियो शूट करेंगे। ये कार सिटी एक बार दोबारा देख लो, ठीक है, और एड्रेस और नंबर तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो चलते हैं शॉप के ऑनर के पास। हाँ, तो हम आ गए हैं शॉप के अंदर, कार सिटी शॉप के ऑनर हैं सर। हेलो सर, आपका नाम? अभय। सर का नाम अभय है, तो सर आप सबसे पहले ये बता दीजिए आपकी शॉप कहाँ पड़ती है, वैसे एड्रेस क्या है? वैसे प्रीत विहार पड़ती है पेट्रोल पंप के साथ, मेट्रो स्टेशन के साथ में। अच्छा, मेट्रो स्टेशन के साथ में, पेट्रोल पंप के भी साथ में, मतलब साइड में ही है। अच्छा, और सर आप कौन कौन सी गाड़ियों में डील करते हैं? सब में डील करते हैं। अच्छा, नॉर्मल जो गाड़ियाँ होती हैं जैसे वैगनार, सेंट्रो, इनोवा। अच्छा, वैगनार, सेंट्रो, इनोवा, मतलब सारी गाड़ियाँ आपके पास मिल जाएगी जो नहीं होगी वो इंपोर्टेड सब मिल। अच्छा, इंडियन इंपोर्टेड सारी मिल जाएंगी गाड़ियाँ। और सब आपकी रेंज क्या होगी स्टार्टिंग गाड़ियों की? रेंज वैसे हमारी स्टार्ट होगी कम से कम 1.5 लाख रुपये से, और उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं सर। अच्छा, कम से कम 1.5 लाख रुपये से, और इससे छोटी गाड़ी? अच्छा, इससे छोटे नहीं मिलेगी। अच्छा, और अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस की क्या क्या फैसिलिटीज होंगी आपके? फाइनेंस बैंक से करा देते हैं सर। बैंक से, दिल्ली और आउट ऑफ दिल्ली दोनों के लिए? दोनों के लिए, दोनों एनसीआर में। अच्छा, दिल्ली एनसीआर, आउट ऑफ दिल्ली नहीं, उससे आगे। अच्छा, और अगर उसकी बात करें तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे फाइनेंस के लिए अगर कोई बंदा लेता तो? सर एड्रेस प्रूफ रहेगा, 6 महीने की बैंकिंग लगेगी, 2 साल की ITR, 2 फोटोग्राफ, दैट इज इट। अच्छा, और डाउन पेमेंट क्या होगी अगर कोई 1.5 लाख या 2 लाख रुपए की अगर कोई गाड़ी लेता है, कोई सी i10 हो गई कोई सी, कम से कम ये समझ लीजिए 60-70 हज़ार देने पड़ेंगे। 60-70 हज़ार रुपये 2 लाख रुपए की गाड़ी के लिए? 60-70 हज़ार देने के बाद डॉक्यूमेंट्स दे और गाड़ी ले जाए अपनी। हाँ, मतलब अगर बैंक अप्रूव करेगा उसका। अच्छा, मतलब बैंक अगर उसे कर देगा वेरीफाई कि ठीक है उसकी सिविल सही है उसकी, तो ले जा सकता है वो, मतलब बैंक से होगा उसका लोन? हम खुद नहीं करते हैं, हम बैंक से करते हैं। अच्छा, बैंक से करते हैं। अच्छा, तो ठीक है फिर सर से हमने डिटेल ले ली, चलते हैं फिर आपको जो भी गाड़ी है दिखा रहे हैं, गाड़ियाँ तो बहुत सारी, चलते हैं आपको कार दिखाते हैं। ठीक है, और शॉप का एड्रेस और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे भी कोई भी गाड़ी लेनी हो या कॉन्टेक्ट करना हो तो यहाँ पे, ठीक है, एड्रेस देख कर सकते हैं, तो चलते हैं। हाँ, तो भाई देख सकते हो ये है पहली गाड़ी जो मेरे पीछे आपको दिख रही है, इसका सबसे पहले तो भाई आगे से लुक देखो, BMW फेल है मेरे सामने तो। ठीक है, ऐसा मॉडल बनाया है ये i20 आस्था है ये, और दिल्ली नंबर है, सबसे अच्छी बात तो ये है, और इसमें एक चीज़ ये कि इसमें एलॉयज लगे हैं अलग से, देख सकते हो यहाँ पे चारों टायर में एलॉयज मिलेंगे आपको, और अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। भाई कलर क्या है गाड़ी का? ग्रे कलर है गाड़ी का। ठीक है, और देख सकते हो चारों इसमें एलॉयज लगे हैं, और भाई इसकी थोड़ी डिटेल दें हमें। 2015 मॉडल है ये। अच्छा, 45,000 किलोमीटर चली हुई है टोटल गाड़ी। भाई ऑनर बता दो सबसे पहले। सेकेंड ऑनर है ये, देख सकते हो पीछे से लुक इसका i20 का आस्था। ठीक है, अच्छा कलर लग रहा है और अच्छा कॉम्बिनेशन है, अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ पहले खोल के। सेकेंड ऑनर है भाई, कितनी चली? 45,000 किलोमीटर चली है टोटल गाड़ी, और लुक इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ। BMW का इंटीरियर फेल है भाई ये देखो। ठीक है, ऐसा इंटीरियर आपको मिलेगा यहाँ पे, और ये एक अच्छी बात जो देख सकते हो। ठीक है, ये जो मिलता है ज़्यादा गाड़ियों में नहीं मिलता है, किसी किसी में मिलता है, और इंटीरियर इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है क्रीम कलर का और हल्का ब्लैक कलर का, और पूरी क्लीन गाड़ी मिलेगी आपको। भाई इसका आस्किंग प्राइस बता दो।
5,25,000 रुपये यहाँ पे इसका आस्किंग प्राइस है, ठीक है। 5,25,000 और किलोमीटर तो बता दिया 45,000 किलोमीटर। चलिए भाई पेट्रोल है क्या है? पेट्रोल है। मॉडल क्या बताया था? 2015 मतलब 25 तक वैलिड है। अच्छा ठीक है, अच्छी कंडीशन में एकदम नई गाड़ी है और सीट कवर्स कहीं से कटे फटे नहीं होंगे, देख सकते हो एकदम सीट कवर्स भी ओरिजिनल लगे हैं कंपनी के, ठीक है। और स्टेयरिंग है यहाँ पे पावर, देख सकते हो यहाँ पे कॉलिंग उठाने और काटने का भी है, ठीक है, देख लो एक बार, ठीक है, कॉलिंग उठाने का और काटने का भी, और एकदम अच्छी गाड़ी है। और ऊपर से मैं एक बार छत दिखा दूँ आपको, ठीक है, छत देखो क्लीन है ना एकदम, छत क्लीन है तो मतलब गाड़ी पूरी क्लीन है मेरे हिसाब से। तो कंडीशन देखो यार गाड़ी की, i20 5,25,000 रुपये डिमांड है यहाँ पे इसकी, और काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो टायर एकदम ओरिजिनल टायर हैं। तो चलते हैं फिर अगली गाड़ी दिखाते हैं आपको, अभी बहुत सारी गाड़ी कवर करनी है। ये है भाई अगली गाड़ी, देख सकते हो होंडाई की ब्रियो है ये, भाई ब्रियो है ना होंडाई की, भाई इसकी डिटेल दो थोड़ी। 2013 मॉडल है, सिंगल ऑनर है और दिल्ली नंबर है ये देख लो, ठीक है भाई, दिल्ली का नंबर है, सिंगल ऑनर है, 2013 मॉडल है, पेट्रोल 10 ईयर वो भी है ना 2023 तक। और भाई इसका एक बार मैं आपको दिखा दूँ, एक बार इधर आओ, एक भी स्क्रैच नहीं मिलेगा पूरी गाड़ी। और टायर दिखाते हुए, टायर में ये जो लगी है ना ये चीज़, ये अलग चीज़ है ये, ठीक है। और पूरी अच्छी कंडीशन में गाड़ी है, देख सकते हो एक बार बैक से दिखा दो एक बार आगे, होंडाई की ब्रियो ये, ठीक है भाई। चली हुई क्या होगी? 57,000 किलोमीटर ये टोटल चली हुई है, 57,000 सिर्फ। भाई इसका रेट क्या होगा यहाँ पे? 3,10,000 रुपये इसका प्राइस यहाँ पे, 3,10,000 रुपये यहाँ पे। और इसका एक बार इंटीरियर दिखा दो, ठीक है भाई, इंटीरियर एकदम क्लीन है देख सकते हो, ठीक है, एकदम क्लीन गाड़ी मिलेगी। और सीट कवर देख लो कहीं से भी कटे फटे नहीं होंगे, और जिस कंपनी की गाड़ी उसी कंपनी के सीट कवर से देख सकते हो, ब्रियो और लेदर के हैं, क्रीम कलर। और ऊपर से एक बार छत देख लो, छत क्लीन है तो मतलब पूरी गाड़ी क्लीन है, ठीक है भाई, एकदम क्लीन गाड़ी मिलेगी, अच्छी गाड़ी है। 3,10,000 रुपये डिमांड है भाई, 57,000 किलोमीटर चली, 57,000, ठीक है भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी दिखाते हैं आपको। हाँ तो ये नेक्स्ट गाड़ी है, देख सकते हैं i10 ग्रैंड है ये, और सबसे ये देख लो, सबसे पहले दिल्ली नंबर है यहाँ पे, और चेरी रेड कलर है, ओरिजिनल पेंट है, शाइनिंग है, एक बार जूम करके दिखा दो शाइनिंग कितनी गाड़ी में, ठीक है, ओरिजिनल पेंट है। और भाई इसकी थोड़ी डिटेल दें हमें, 2014 मॉडल, सिंगल ओनर, अच्छा सिंगल ओनर है, सिंगल ओनर 2014 मॉडल भाई, पेट्रोल सीएनजी? पेट्रोल है। और ये एक बार टायर दिखा दो यहाँ पे एक बार, ठीक है, टायर चारों टायर घिसे हुए नहीं होंगे, नए टायर लगे हुए हैं। और भाई क्या चली हुई होगी? 39,000 39,000 किलोमीटर टोटल चली हुई होगी। एक बार बैक से इसको एक बार दिखा दो, बाहर से गाड़ी दिखा दो, एक भी स्क्रैच नहीं मिलेगा गाड़ी में, ठीक है। छत देख लो सबसे पहले आप ऊपर से, और देख सकते हो एक भी कहीं पे आपको स्क्रैच नहीं मिलेगा, पूरी गाड़ी एकदम क्लीन मिलेगी, ठीक है। बैक से कुछ ऐसे दिखती है ये गाड़ी, होंडाई ग्रैंड i10, ठीक है, और नंबर दिल्ली का होगा। और चल के एक बार आपको अंदर से इंटीरियर और सीट कवर दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए अंदर ज़्यादा जा नहीं सकते। तो इंटीरियर देख सकते हो यहाँ पे, सबसे पहले आप एकदम क्लीन इंटीरियर मिलता है आपको, क्लीन नया गाड़ी एकदम, ठीक है, एकदम नई गाड़ी की तरह इंटीरियर मिलता है आपको। और नीचे ये देख सकते हो मैट, एकदम नए मैट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलते हैं सारे सिस्टम, साउंड, एसी, और यहाँ पे स्टेयरिंग, और देख सकते हो सीट कवर्स देख सकते हो, ठीक है, ग्रैंड i10 के सीट कवर्स हैं। गाड़ी एकदम चमचमाती हुई है, और ये यहाँ देख सकते हो ये पीछे जो बैठे हैं उनके लिए एसी मिलता है अलग से, ठीक है, क्लीन गाड़ी एकदम, मैट देख सकते हो आप एकदम चमचमा रहे हैं मैट, ठीक है। और यहाँ पे सीट कवर्स एकदम नए, कहीं से कटे फटे नहीं होंगे। छत दिखा देता हूँ मैं आपको, छत एकदम क्लीन है, ठीक है। और यहाँ पे पूरी गाड़ी एकदम अच्छी कंडीशन में मिलती है आपको, यहाँ पे देख सकते हो लाइटिंग, और यहाँ पे ये, ठीक है, अच्छी कंडीशन में गाड़ी है यहाँ पे। और इसका प्राइस अभी तक बताया नहीं, तो प्राइस भैया इसका क्या है? 4,25,000 रुपये इसका प्राइस, 4,25,000 रुपये इसका प्राइस है यहाँ पे। i10 ग्रैंड 2013 मॉडल, 2014 मॉडल है, अच्छा, फर्स्ट ओनर और पेट्रोल की, देख सकते हो लुक इसका कुछ बाहर से ऐसा है, चेरी रेड कलर का, ठीक है। तो चलते हैं फिर अगली गाड़ी दिखाते हैं आप। हाँ तो भाई ये है अगली गाड़ी, देख सकते हो वाइट कलर की, कौन सी है बताऊँ, स्विफ्ट डिज़ायर है, वाइट कलर की चमक रही है पूरी गाड़ी वाइट कलर की। और सबसे देख लो दिल्ली का नंबर है, और नंबर देखो कितना अच्छा है, CC2323, देख रहे हो CC2323, बहुत अच्छा नंबर है। और भाई इसकी डिटेल दो थोड़ी,
2011 मॉडल VDI डीजल। अच्छा 2011 मॉडल है स्विफ्ट VDI। हाँ। अच्छा और चली हुई क्या होगी? किलोमीटर चली हुई है 67। अच्छा 67,000 किलोमीटर चली हुई है। और ये देखो टायर, ठीक है सारे चारों टायर इसके अच्छे हैं और एकदम कंप्लीट है, कहीं से घिसे नहीं होंगे, ठीक है। और भाई इसका प्राइस क्या है यहाँ पे? 2,75,000 रुपये इसका प्राइस है। एक बार ये दिखा दो इसका यहाँ से, ठीक है 2,75,000 रुपये इसका प्राइस है यहाँ पे। और 2011 मॉडल भाई डीजल, डीजल है भाई, ठीक है। और इसका ये देख सकते हो आप, इंटीरियर देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है देख रहे हो। और ये देख सकते हो यहाँ पे 2,75,000 रुपये में स्विफ्ट डिज़ायर मिल रही है आपको 2011 मॉडल। कंडीशन थोड़ी सी लो है हर गाड़ियों से, लेकिन स्विफ्ट है, स्विफ्ट डिमांडिंग गाड़ी है, ठीक है भाई, डिमांड है स्विफ्ट की बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हो यहाँ पे सीट कवर्स ये है इसके, और ठीक है सीट कवर्स ये है, और गाड़ी एकदम क्लीन तो नहीं है लेकिन है फिर भी है, ठीक ठाक है, ठीक है। और स्टेयरिंग देख सकते हो, और किलोमीटर 67,000 किलोमीटर चली हुई है टोटल, और 2,75,000 रुपये इसके यहाँ पर डिमांड है। वाइट कलर की स्विफ्ट डिज़ायर है, ठीक है भाई, डीजल है ना भाई, डीजल डीजल है, ठीक है VDI, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ, और इसकी छत दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो अंदर से, ठीक है 2,75,000 रुपये यहाँ पे इसकी डिमांड है, स्विफ्ट डिज़ायर VDI। तो चलते हैं फिर अगली गाड़ी दिखाते हैं आपको। तो ये है हुंडई की एसेंट, वाइट कलर की है देख सकते हो, और काफ़ी लंबी गाड़ी है, एक बार ये देखो लंबी गाड़ी है, ठीक है। और जो गाड़ी नॉर्मल अभी हमने दिखाई i10 ग्रैंड हो गई, स्विफ्ट हो गई, उन सबसे लंबी गाड़ी है ये काफ़ी। और एसेंट है हुंडई की, लाइट वगैरह एकदम अच्छी कंडीशन में है। एक बार इसके टायर दिखा दो, टायर एक बार दिखा दो भाई, टायर देख सकते हो घिसे हुए नहीं है, ठीक है एकदम अच्छे टायर हैं, अभी चारों के टायर नए पड़े हैं यहाँ पे। और भाई इसकी थोड़ी डिटेल दें। 2009 मॉडल, अच्छा 2009 मॉडल है और सिंगल ऑनर है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि सिंगल ऑनर है ये गाड़ी। और भाई इसकी और डिटेल क्या चली हुई होगी? 52,000 किलोमीटर टोटल चली हुई होगी, देख सकते हो एक बार इसके ऊपर से छत, और वाइट कलर एकदम चमचमाता हुआ, ओरिजिनल पेंट है जो कंपनी का आता है ओरिजिनल पेंट, ठीक है एकदम शाइनिंग मार रहा है पेंट। और एक बार इसका चल के आपको अंदर से इंटीरियर और वो सब दिखा देते हैं, तो चलते हैं इसका एक बार आपको इंटीरियर और वो सब दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हो इसका इंटीरियर, देख सकते हो इसका एक बार आप क्या इंटीरियर है, क्लीन। और ये देखो मैं एक बार आपको थोड़ा बाहर से दिखा देता हूँ, क्रीम, अंदर पूरा क्रीम, बाहर पूरा वाइट चमक रहा है और अंदर पूरा क्रीम चमक रहा है। क्रीम कलर के सीट कवर्स हैं और क्रीम कलर का ही इंटीरियर है, और सिर्फ इंटीरियर में ये देख लो ये चीज़ जो अच्छी लगती है ज़्यादा, ठीक है ये, ठीक है थोड़ा ब्राउन कलर का है। और यहाँ पे सारे आपको मिल जाते हैं कंट्रोलिंग, और यहाँ पे ये देखो स्टेयरिंग देख सकते हो आप, ठीक है सीट कवर्स कहीं से कटे फटे नहीं होंगे, और पूरी गाड़ी क्लीन है। ऊपर से दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है ठीक है। और ये देखो ये चीज़ है कि ये जो नए लगे हैं, ये नई चीज़ ये नए हैं अभी, ठीक है भाई। इसका प्राइस क्या बताया आपने? 2,25,000 रुपये में हुंडई एसेंट मिल रही है। मॉडल क्या था? मॉडल 2009 मॉडल भाई, पेट्रोल था, पेट्रोल था, ठीक है 2,25,000 रुपये में आपको इतनी अच्छी यहाँ पे गाड़ी मिल रही है, देख सकते हैं आपको। और एक बार मैं आपको अंदर से एक बार पीछे की सीट कवर्स दिखा देता हूँ, जो कि मैं ज़्यादा नहीं दिखाता। ये देखो यहाँ पे पीछे से सीट कवर्स, ठीक है यहाँ पे आपको मिल जाता है विंडोज़, और यहाँ पे देख सकते हो क्रीम कलर पूरा चमक रहा है। और यहाँ पे पीछे देखो, पीछे साउंड का हैगा, साउंड लगा रखे हैं पीछे। काफ़ी अच्छी कंडीशन में आपको ये गाड़ी मिलती है, 2,25,000 रुपये सिर्फ इसके यहाँ पे डिमांड है। और पीछे से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ भी गाड़ियाँ ज़्यादा, ठीक है तो चलते हैं फिर आपको नेक्स्ट गाड़ी दिखाते हैं, जो कि पीछे खड़ी है यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रो। तो ये है देख सकते हो लास्ट गाड़ी जो आज इस वीडियो में दिखाएंगे हम, लास्ट गाड़ी है ये है सेंट्रो। कौन सी? हुंडई की सेंट्रो, हुंडई की सेंट्रो है ये। और इसकी डिटेल दो भाई। अब 2008 मॉडल है, 2008 मॉडल है, और 52,000 किलोमीटर टोटल चल रखी है गाड़ी। टायर दिखा दो एक बार, और एक बार यहाँ से दिखा दो साइड से, एक भी स्क्रैच नहीं होगा गाड़ी पे, ठीक है एक भी स्क्रैच नहीं होगा गाड़ी पे। और भाई चली हुई क्या है? 52,000 किलोमीटर टोटल चल रखी है यहाँ पे। और भाई पेट्रोल सीएनजी क्या है? पेट्रोल,
अच्छा सिंगल ऑनर है, पेट्रोल है, एक बार चल के आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ क्योंकि सारी यहीं नहीं दिखाऊंगा डिटेल, अंदर का इंटीरियर और सीट कवर्स भी दिखाना ज़रूरी है भाई व्यूवर्स को। तो देख सकते हो यहाँ पे, ये देख सकते हो यहाँ क्योंकि सिंगल ऑनर है। हाँ भाई सिंगल ऑनर, सिंगल ऑनर है। और यहाँ पे इंटीरियर देख सकते हो, यहाँ पे इंटीरियर क्लीन होगा और सेंट्रो की है हुंडई की। सीट कवर देख सकते हो कटे फटे नहीं होंगे कहीं से भी, सीट कवर्स अच्छी कंडीशन में होंगे, ठीक है। और गाड़ी एकदम क्लीन मिलेगी, यहाँ पे आपको मिल जाता है एसी का और यहाँ पे सारी कंट्रोलिंग मिल जाती है और 52,000 किलोमीटर टोटल चल रखी है गाड़ी। सीट कवर देख सकते हो और ऊपर ये देखो, ऊपर एकदम नए लगे हैं ये अभी। और यहाँ पे लाइट मिल जाती है आपको, ठीक है। और ये देख सकते हो गेट की तरफ तो सारे आपको फंक्शन मिल जाते हैं। और सीट कवर देख सकते हो ब्लू कलर का है और थोड़ा रेड में है, कॉम्बिनेशन ब्लू एंड रेड में। गाड़ी क्लीन होगी एकदम, ऊपर से आपको मैं छत दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये देखो छत भी क्लीन होगी भाई। इसका एक बार आस्टिंग प्राइस बता दो। 150 150,000 रुपये में सिर्फ मिलेगी आपको सेंट्रो हुंडई की। मॉडल क्या बताया था? 2008 पेट्रोल 2008 मॉडल। और 1.5 लाख रुपए सिर्फ इसकी डिमांड है। यहाँ पे हुंडई की सेंट्रो है, देख सकते हो पीछे से कुछ ऐसी है और इसका कलर कुछ सिल्वर में है, ठीक है। अच्छी कंडीशन में है गाड़ी, मैंने आपको अंदर से दिखा दिया है। एक बार मैं आपको पीछे से देखना तो मैं पीछे से भी दिखा देता हूँ आपको एक बार पीछे की, ठीक है। पीछे से देखो, पीछे से और आपको मैं फिर पीछे आया हूँ तो डिग्गी पर दिखा देता हूँ। डिग्गी देख रहे हो क्लीन है, यहाँ पे भेते हैं साउंड्स एक इधर और एक वो उधर, ठीक है। क्लीन एकदम गाड़ी, सीट बेल्ट वगैरह सब कुछ है अच्छी कंडीशन में। 1.5 लाख रुपए की टोटल। और प्राइस कोई फिक्स नहीं होता भाई, प्राइस तो ऊपर नीचे हो जाता है। जिसको भी भाई कार लेने का सपना है, छोटी बड़ी कोई सी भी कार यहाँ पे मिल जाएगी आपको। सारी कार सेंट्रो, i10, i20, इनोवा, स्विफ्ट, सारी कार मिल जाएगी ऊपर से लेके नीचे रेंज तक। जिसका जो बजट है भाई आके कार ले सकता है। देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो गाड़ी आपको पसंद आएगी वो ले सकते हो, ठीक है। तो वीडियो हो रही है लंबी, तो वीडियो करते हैं एंड। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल कर लेना सब्सक्राइब और बेल प्रेस कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं।